आज इस वीडियो में हम लोग कंपोजिशन फंक्शन के बारे में सुनेंगे। कंपोजिट फंक्शन मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो जैसे ही हमारे दिमाग में वर्ड कंपोजिट आता है या कंपोजिशन आता है तो इस तरह की बातें आती है दिमाग में कि इसमें कुछ मिक्सअप करेंगे हम। वो मिक्सिंग दो का हो सकता है और मोर देन टू थिंग्स का भी हो सकता है। यहाँ चूंकि हम कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली उस तरह की बात यहाँ पर हम करेंगे। टू डिफरेंट फंक्शन को मिक्सअप करेंगे। डेफिनेशन थोड़ा सा आप देखेंगे तो कुछ फर्स्ट टाइम अटपटा लग सकता है, बट जैसे इसको डिफाइन किया जाता पहले वो देख लें फिर थोड़ा समझते हैं इसको। ये है क्या, ये दो फंक्शन को हमने डिफाइन किया है। ए फंक्शन ए से बी में है और जी फंक्शन सी से डी में है। तो कहता है कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड एज जी नॉट एफ। इसे गॉफ भी पढ़ते हैं लोग, और ये जो नॉट देख रहे हैं ये जानकर हमने छोटा दिया है। रियली लिखने का तरीका यही है, लेकिन आज की किताब में डिफरेंट बुक्स में इसको ओ टाइप से लिखता है, इसको गॉफ पढ़ता है, एफ ओ जी को फॉग पढ़ता है, तो हम इसे जी नॉट एफ ही कहेंगे। तो एफ एंड जी इज डिनोटेड एज जी नॉट एफ, वेयर जी नॉट एफ क्या होगा तो ये ए से डी में फंक्शन होगा। आप देख रहे हैं जी नॉट एफ का डोमेन ए को डोमेन डी, यानी जी नॉट एफ एफ के डोमेन से स्टार्ट होगा, यानी जो एफ का डोमेन वो जी नॉट एफ का डोमेन, और कोडोमेन इसका क्या होगा तो जो जी का कोडोमेन है। यानी ये फंक्शन में आप समझ सकते हैं, अगर इसको रियर कर लें इसको फ्रंट कर लें तो फ्रंट फंक्शन का डोमेन इसका डोमेन होगा, और इधर देख रहे हैं आप पीछे का फंक्शन जी इसका कोडोमेन इस फंक्शन का कोडोमेन होगा। यानी बीच में ये बी और देख रहे हैं बी और सी, यह इसमें गायब है जी नॉट एफ में। मैथमेटिकली बी और सी कहीं हम नहीं लिखे हैं, क्लियर है। तो जी नॉट एफ क्या होगा, एफ के डोमेन से जी के कोडोमेन में फंक्शन डिफाइन होगा। डिफाइन ये कैसे होगा, ये कहता है जी नॉट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स जी ऑफ एफ एक्स। आप समझ सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स पर पहले एफ ऑपरेट करेंगे व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, देन जी नॉट एफ एक्स विल बी जी ऑफ एफ एक्स प्रोवाइडेड। आप देख रहे हैं इसमें शर्त लागू है, कंडीशन अप्लाइड है, हमेशा ये नहीं होगा। ये कब होगा, जब रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। जी जहां क्या है, सेट सी की बात कर रहे हैं, यहां पर देखा ना ये सी डोमेन ऑफ जी क्या है, सी है। मैं समझता हूं अगर फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं थोड़ा सा पता लगेगा दिमाग को ये क्या क्या कह दिया, थोड़ा इस बात को समझें। आप इसको छोड़ें, थोड़ा यहां आए, आप देखेंगे एफ फंक्शन ए से बी में है और जी फंक्शन सी से डी में है, हमने पहले से लिख रखा है। और अब हमें जी नॉट एफ अगर समझना है तो हम समझ चुके हैं ये फंक्शन कहां होगा, ए से डी में होगा। अब ए का कौन सा एलिमेंट डी के किस एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा ये डिसाइड करने के लिए अभी हमने क्या पढ़ा, जी नॉट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स जी ऑफ एफ एक्स। जाहिर है ये ए इसका डोमेन है, तो अगर हम बारी बारी से सोचें जी नॉट एफ ऑफ वन क्या होगा, तो इसे हम g ऑफ f1 कहेंगे ना, g ऑफ f1। अब f1 क्या होगा तो समझ सकते हैं बात को, f1 क्या होगा यहां देख रहे हैं f1 फ्री है तो इसे हम g3 कहेंगे, और g3 क्या है देखेंगे g3 फाइव है, मतलब g3 क्या हो गया, फाइव हो गया। यानी इसका एलिमेंट जो वन है वह d के फाइव से एसोसिएटेड होगा। आप देख रहे हैं ये कैसे हो रहा है, जी नॉट एफ पहले एफ ऑपरेट होगा ए की बातों पर, और ये ऑपरेट होने के बाद जो जो बातें आएंगी उन सारी बातों पर जी ऑपरेट होगा। आप समझ सकते हैं सिमिलरली रूट टू क्या होगा, तो रूट टू ये इलेवन से होगा और इसमें देखेंगे जी इलेवन को जीरो से एसोसिएट करता है, मतलब रूट टू जीरो से होगा, एंड सो ऑन। थ्री फाइव से और इसका फाइव भी जीरो से है तो थ्री भी क्या हो गया, जीरो से। इस तरह से सब को हम देख सकते हैं। फिर से इसको पढ़े हम, ये क्या कर रहा है, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी जो होगा वो जी नॉट एफ ए से डी में होगा, डिफाइंड ऐसे होगा। और ये जो इसको समझते हैं प्रोवाइडेड रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, इसका क्या मतलब हुआ, आपने क्या देखा इस वन को फाइव से जो एसोसिएट किया गया ये कैसे किया गया, तो भाया बी एंड सी ये बी में क्या है और फिर बी का यह एलिमेंट सी में है और इस पर जी लग के क्या करता है। अब आप ये सोचें यहां जो थ्री है इसमें, ये थ्री अगर इसमें नहीं होता, मान लीजिए थ्री को थोड़ा देखिए दिमाग से हटा दीजिए, ये इसको थर्टीन समझ लीजिए, मान लीजिए थर्टीन होता है तो आप ये समझें कि वन को हमने थ्री से एसोसिएट किया और इस पर हमें जी ऑपरेट करना है,
फंक्शन का एक लिमिटेशन है, हम जानते हैं जी अपने डोमेन से बाहर की बातों पर नहीं लग पाएगा। तो अगर हम G3 की बात करेंगे, G3 क्या होगा, तो यहाँ 3 ढूंढते रहेंगे, 3 तो है नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि इस केस में यह जो G0F है, यह रूल A के 1 एलिमेंट 1 को किसी से रिलेट नहीं कर पाता है, देयरफॉर यह फंक्शन ही नहीं होता। तो F इमेज जो होगा सेट A की सारी बातों का, वो सारी बातें G के डोमेन में होगा, तभी तो ये फंक्शन डिफाइन हो पाएगा G0F। इसी को अगर हम लैंग्वेज में कहेंगे तो हमने क्या कहा कि F का जो जो इमेज होगा वही ना रेंज कहलाएगा F का, और वह जो रेंज में जो जो बातें आएंगी वो सारी की सारी बातें G के डोमेन में रहेगा, यानी C में रहेगा, तभी तो G उस पर ऑपरेट हो पाएगा। अब इसको इंटीग्रेटेड वे में एक नजर में देखें कंपोजिशन क्या हुआ। तो आप देख रहे हैं F G डिफाइन है, G0F क्या होगा, तो हमेशा दो का कंपोजिशन रहेगा, जो फ्रंट पोजिशन पर फंक्शन है उसके डोमेन से स्टार्ट होगा और जी के कोडोमेन में लास्ट करेगा, ये फंक्शन अपना इमेज बनाएगा। बीच का जो मामला है वो क्या है, तो एफ का जो रेंज आएगा वह जी के डोमेन का सबसेट होगा, तब ये कंपोजिशन हो पाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से कंपोजिशन, थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि अगर हम कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी कहते हैं तो कहते हैं एफ और एफ एंड जी, बट डिनोट करते हैं G0F, जरा उल्टा एफ एंड जी का कंपोजिशन G0F, इस तरह से G एंड F का कंपोजिशन F नॉट G। तो अगर हम F नॉट G की बात करें, मैं समझता हूं ये क्लियर है, थोड़ा सा मैं मिटा के इसको समझाता हूं। अगर यही हम कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ ये कैसे कहा जाएगा, तो एफ नॉट जी, और अभी जैसे जी नॉट एफ को समझे थे वैसे इसको समझने का प्रयास करें हम, एफ नॉट जी क्या होगा, तो ये जी का डोमेन क्या है, सी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर जी नॉट एफ ए से डी में था तो इसका रिवर्स किए हैं तो वो डी से ए में हो जाएगा, ये बल्दर हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, ए से डी में अगर जी नॉट एफ था तो एफ नॉट जी डी से ए में हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये हमारा क्राइटेरिया नहीं कि अगर हम रिवर्स करेंगे उसको भी रिवर्स कर देंगे, डोमेन को डोमेन चेंज हो जाएगा। इसका आधार ही अलग है समझने का कि जी के डोमेन से स्टार्ट होगा, मतलब दिस फंक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम सी और कहां जाएगा, तो एफ के कोडोमेन में, एफ का कोडोमेन क्या है बी, तो ये फंक्शन सी से डी में डिफाइन होगा। अब किस तरह से डिफाइन होगा, तो एफ नॉट जी अगर एक्स पर लाएगा, समझ सकते हैं एक्स सी से बिलोंग करेगा, पिछले फंक्शन में जो एक्स था वो ए से बिलोंग कर रहा था, तो दिस विल बी क्या, फ्रंट फंक्शन में एक्स पहले ऑपरेट होगा ये फंक्शन, और इसके साथ फिर क्या एफ ऑपरेट होगा। समझ सकते हैं ये भी कब संभव होगा डिफाइन होगा, तो वहां पे थे एफ का रेंज, यहां क्या कहेंगे रेंज ऑफ जी इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ जो कि यहां पर क्या है ए। कहने का मतलब हम समझते हैं, मैं ये समझ चुके होंगे हम लोग, ये फंक्शन के डोमेन से इस फंक्शन के डोमेन में पहले जी लगेगा, और वो लगी हुई बात अगर एफ के डोमेन में है तो फिर एफ लगेगा, और अगर एफ के डोमेन में नहीं है तो यह कंपोजिशन डिफाइन ही नहीं होगा। तो कंपोजिशन को डिफाइन करने का कंडीशन क्या होगा, कब ये होगा और होगा तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं सिंपल है, इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर इसमें एक बात रखेंगे हम कि यहां जो हमने लिखा है एक रिजल्ट, इन जनरल जी नॉट एफ इज नॉट इक्वल टू एफ नॉट जी, जाहिर है आप बिना ये बताए आप समझ सकते हैं कि वहां से एफ नॉट जी अलग है, जी नॉट एफ अलग है। पहली बात तो ये फंक्शन साफ डिफरेंट है, वो किस से किस में होगा, ये किससे किस में होगा, बट यहां पर देखेंगे कि जनरली ऐसा नहीं होगा। यहां पर एग्जाम्पल हमने लिया है, एफ मान लीजिए रियल से रियल में है, सस्पेक्ट एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, जी भी रियल से रियल में फंक्शन है, इस तरह से कि जी एक्स इक्वल साइन एक्स, हम रेंडमली कुछ ले लिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि यही क्यों लिए, रेंडमली कुछ ले लिए, तो ये फंक्शन दो है। आप समझ सकते हैं कि जी नॉट एफ क्या होगा, तो एफ के डोमेन से स्टार्ट होगा, एफ का डोमेन क्या है
यहाँ पर देखिए रियल है, रियल से और जी का कोडोमेन वो भी रियल है, मतलब चारों तो रियल ही है, देखना ही बेकार है। आप समझ सकते हैं एफएल रेंज आएगा, इस रेंज का ये सॉरी रियल नंबर का क्या होगा, सबसेट होगा। और जी का डोमेन तो रियल नंबर का कोई भी सबसेट होगा, तो रियल नंबर से तो बाहर नहीं होगा ना, जी का डोमेन तो पूरा रियल है, तो एफ का रेंज जी के डोमेन में है ही। इसी तरह से जी का रेंज इसका कोई सबसेट होगा, जो एफ का डोमेन आर है इसका सबसेट इसमें होगा ही। कहने का मतलब कि यहां जी नॉट एफ और एफ नॉट जी ये दोनों वेल डिफाइंड है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए यहां पर हम कह रहे हैं जी नॉट एफ रियल से रियल में होगा, और किस तरह से डिफाइन होगा, जी नॉट एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, तो समझ सकते हैं बात को, जी का बिहेवियर क्या है, यहां पर देख रहे हैं जी किसी चीज पर लगता है तो वो साइन ऑफ दैट चीज प्लस कॉस ऑफ दैट चीज जो भी है वॉट एवर जिस पर लगेगा, यहां पर एक्स पर लगेगा तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हुआ, यहां एफ एक्स पर लगेगा तो साइन एफ एक्स प्लस कॉस एफ एक्स होगा। फर्दर एक्स एफ एक्स का वैल्यू यहां से रख देंगे क्या, एक्स स्क्वायर, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। ये किसका वैल्यू हुआ, जी नॉट एफ का, इसको हमने वन कह लिया। फिर एफ नॉट जी की बात करें, ये पहले समझ चुके हैं रियल से रियल में तो होगा ही, और किस तरह से होगा, एफ नॉट जी ऑफ एक्स इक्वल्स इस बार एफ ऑफ जी एक्स होगा, एफ ऑफ जी एक्स, और एफ ऑफ जी एक्स एफ का बिहेवियर देखेंगे, एफ किसी भी चीज पर लगता है तो क्या करता है, उसका स्क्वायर कर देता है, मतलब ये जी एक्स का क्या कर देगा, स्क्वायर करेगा, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहां पर हमने एक लाइन में थोड़ा फाकी मारे हैं, आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन हो गया है, और जो मिडिल टर्म बता टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला आपको पता ही है, ये साइन टू एक्स हो जाएगा, इसको हमने वन प्लस साइन टू एक्स लिख दिया। अब वन में आप देख रहे हैं इसका कंपोजिशन साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, और यहां पर आया वन प्लस साइन टू एक्स, जाहिर ये दोनों इक्वल नहीं है, और इस तरह से 1 एंड 2 से हमने लिखा g नॉट f इज नॉट इक्वल टू f नॉट g। फिर यहां पर ध्यान देंगे जिस तरह से कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस हमने किया है, एट द सेम टाइम हमें ये समझना चाहिए कि ये आप लैंग्वेज में से ऐसे भी समझ सकते हैं, कंपोजिट फंक्शन क्या कॉम्बिनेटिव नहीं होता है, यानी इसमें ऑर्डर को हम चेंज नहीं करेंगे, वैसा करेंगे तो लॉस ऑफ यूनिटी होगा, बट एसोसिएटिविटी की बात करें तो कंपोजिट फंक्शन एसोसिएटिव होता है। मान लीजिए h नॉट g नॉट f है, तो पहले हम ये दोनों को ऑपरेट करें फिर ये ऑपरेट करें, या h नॉट इसी को छोड़ दें और g नॉट f ऑपरेट करें, एसोसिएटिव समझते हैं आप, कोई भी ऑपरेशन का एसोसिएशन क्या होता है, तीन बातें होती है उसमें ऑपरेशन के साथ, और पहले हम किसी दो को कर लेते हैं लगातार, लास्ट को छोड़ देते हैं या शुरू को ही छोड़ देते हैं, लास्ट टू को पहले करते हैं कैलकुलेशन जो भी आएगा। तो कहता है कि कंपोजिट फंक्शन जो है वो एसोसिएटिव है, अगर तीन फंक्शन का कंपोजिशन है इस ऑर्डर में तो ये कहता है होगा। अब समझ सकते हैं यहां डोमेन रेंज हमने लिख रहे हैं, आप मान के चलेंगे ये कंपोजिशन वैलिड है, ये कंपोजिशन डिफाइंड है, फर्दर हम बात कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं इसका एलएचएस अगर करेंगे तो ये ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ है, ब्रैकेट का मतलब हुआ कि पहले हम इस ब्रैकेट वाली बात को ऑपरेट करेंगे, ये हमारा फंक्शन है, थोड़ा ब्रैकेट दे दिए क्लैरिटी के लिए, x इस पर ऑपरेट हो रहा है x पर, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले हम h नॉट g को ऑपरेट करेंगे। आप समझ सकते हैं कोई भी, अब h नॉट g को आप फर्दर के लिए अगर कोई फंक्शन लैम्डा कर लीजिए, लैम्डा नॉट f हुआ ना, तो आप इसको क्या कहते हैं, लैम्डा ऑफ एफ एक्स कहते हैं, वेयर लैम्डा क्या है, h नॉट g है, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं h नॉट g ऑफ क्या एफ एक्स, क्लियर है ना, इस फंक्शन को लैम्डा अगर कह लें हम तो लैम्डा नॉट एफ हुआ, और लैम्डा नॉट एफ क्या होता है, लैम्डा ऑफ एफ एक्स, और अब एच नॉट जी किस पर लगा रहे हैं, एफ एक्स पर लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, एच ऑफ क्या जी ऑफ क्या एफ एक्स, क्योंकि ये एफ एक्स पर ऑपरेट हो रहा है, क्लियर है ना, दिस नॉट दिस, तो क्या एफ ऑफ एक्स और उसका h नॉट ऑफ g ऑपरेट किए, और फिर ये g लगा एफ एक्स पर और h ऑफ दैट थिंग, ये हुआ। अब RHS की बात करें तो h नॉट g नॉट f ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ, इस बार लैम्डा के ऊपर ये हो गया और ये हो गया सेकंड फंक्शन, यानी इस बार g नॉट f पहले रहेगा किस पर, x पर, और यहां h नॉट है, तो ये h ऑफ जी नॉट एफ ऑफ क्या हो जाएगा एक्स, क्लियर है ना, इस बार अगर इसे लैम्डा कह लें तो एच ऑफ लैम्डा एक्स होगा ना,
h ऑफ लैम्डा x, लैम्डा का वैल्यू क्या, g नॉट f, अब दिस इक्वल्स h ऑफ g नॉट f ऑफ x, g नॉट f x क्या होगा, तो g ऑफ f x, जैसे दो का कंपोजिशन डिफाइन होता सिंपली, इसे 2 कह लें, देख सकते हैं ये h ऑफ g ऑफ f x कह रहा है, ये भी h ऑफ g ऑफ f x कह रहा है, तो 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं ये जो कंपोजिशन का ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव होगा, एच नॉट जी नॉट एफ, पहले हम ये दोनों पर ऑपरेट कर लें, या एच को हम पहले रहने दें और जी नॉट एफ पर ऑपरेट कर लें, सेम हो, मतलब कंपोजिट फंक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होगा बट एसोसिएटिव होगा। फिर आगे हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। इसमें पहले हम लोग एक क्वेश्चन ये देखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स का था सी है, जहां सी बिलोंग्स टू आर, मतलब आप समझ सकते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन है, जी एक्स इक्वल्स साइन एक्स स्क्वायर, तो निकालना हमें जी नॉट एफ, मतलब हर एक क्वेश्चन में ये हमने लिखा नहीं है, अगर स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन में हमें कंपोजिशन निकालना है दोनों का, एफ और जी का और जी और एफ का, यानी जी नॉट एफ एंड एफ नॉट जी, ये दोनों निकालना है, तो समझ सकते हैं बस ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चन ले लिया है कि आप देखें इसे, तो जी नॉट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स क्या जी ऑफ एफ एक्स, और g ऑफ एफ एक्स मतलब क्या समझ सकते हैं, g किसी पर ऑपरेट होगा, तो यहां पर रूल ये कहता है g ऑफ x इक्वल्स साइन ऑफ x स्क्वायर, तो g अगर एफ एक्स पर लगेगा तो साइन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर, और फिर एफ एक्स का वैल्यू यहां से c पुट कर दिए साइन c स्क्वायर, इस तरह से f नॉट g x रहेगा तो f ऑफ g x, और f ऑफ g x क्या होगा, तो f का बिहेवियर देखेंगे फंक्शन का क्या है, ये किसी चीज पर लगता है तो कॉन्स्टेंट c लगता है, तो फिर जी एक्स का वैल्यू क्या है नहीं है इससे मतलब भी हमारा नहीं, कुछ भी होगा, व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स विल बी क्या, कांस्टेंट फंक्शन सी, इसका वैल्यू सी हो गया। देखिए इसके हर एक क्वेश्चन में डोमेन रेंज की बात हम नहीं कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर हम इसकी बात करें तो ये जो फंक्शन एफ है रियल से रियल में होगा, डोमेन रेंज के बारे में यही हम जानते हैं ना, कि अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो डोमेन क्या होता है, तो जो मैक्सिमम बड़ा से बड़ा सबसेट रियल नंबर का हो सकता है जिसके लिए कि fx को प्रॉब्लम नहीं हो, यानी fx डिफाइन हो, यानी fx रियल हो, वो डोमेन होता है, आप समझ सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन है इसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा, और कोडोमेन तो ऑलवेज रियल नंबर लिया ही जाता है अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो सिमिलरली sin x स्क्वायर है आप समझते हैं इसका भी डोमेन सारा रियल होगा और कोडोमेन तो रियल होगा ही, तो f भी r से r में है, g भी r से r में है, therefore यहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसको डिफाइन होने के लिए, तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ निकालने कहता है तो हम हाँ, अगर ये क्वेश्चन कहता है कि आप पहले चेक करो कि ये दोनों डिफाइन होगा कि नहीं, वैलिड होगा कि नहीं, जी नॉट एफ एंड एफ नॉट जी, तब तो हमें ये चेक करके दिखाना पड़ता, समझना पड़ता, अगर वो वैलिड होता तो आगे प्रोसीड करते, वरना करते कि ये वैलिड नहीं होगा, तो यहां पर अगर ऐसा कुछ नहीं कह रहा है तो अंडरस्टूड है कि ये वैलिड है। अब इसकी बात करें, एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स इक्वल्स वन माइनस वन बाई वन माइनस एक्स, थोड़ा सुविधा के लिए इसको मैं सिंप्लीफाई कर दिया, गिवन तो ये है बट इसको सिंप्लीफाई करके x बाई एक्स माइनस वन आया, इस पे कैलकुलेशन में हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, समझ सकते हैं सिंपल ये कैलकुलेशन है। अब यहां पर अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में f क्या है, तो r से r में, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है, बट इसके डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन क्या होगा, वन को छोड़कर, सही है ना, तो इसका डोमेन पूरा रियल नंबर और इसमें वन को छोड़कर, थोड़ा हम ओवर क्वेश्चन मिटा के थोड़ी सी बात इस पर हम करना चाहेंगे, थोड़ा इसको भी अगर देखते चले हम लोग बढ़िया होगा। देखिए यहां सिचुएशन क्या है, यहां पर f r से r में है और g g फंक्शन ये है, ये r से एक एलिमेंट वन एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और कोडोमेन तो आर होगा ही, गिवन नहीं है, तो ये स्थिति है। अब समझ सकते हैं जी नॉट एफ अगर लेंगे तो जी नॉट एफ क्या होगा, एफ के डोमेन से स्टार्ट होगा आर से और जी के कोडोमेन में यानी आर में जाएगा, ये कब होगा, जब एफ का कोई भी एफ का जो रेंज होगा वह जी के डोमेन का सबसेट हो। अब समझ सकते हैं बात को, एफ का रेंज जो भी होगा तो वो आर के अंदर ही होगा, विद इन आर ही होगा, आर का कोई सबसेट होगा, और वह जी के बात करें कोडोमेन का तो जी के कोडोमेन में उसे होना चाहिए। अब यहां पर एक बात ही देखने का रह जाता है कि जो एफ का रेंज होगा यह जी के कोडोमेन में होगा क्या, क्यों,
चूंकि जी का कोडोमेन में एक वन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। मान ले कि फंक्शन एफ का अगर रेंज में एक एलिमेंट वन आता है तो वो वन तो इसमें नहीं मिलेगा। यहां पर अगर चेक करने की बात रहा कि ये वैलिड होगा कि नहीं होगा तो थोड़ा सा यही चेक करेंगे ना। हमने क्या कहा था, फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं मैं, कि अगर एफ के रेंज में वन आता है तो वन जी के डोमेन में नहीं मिलेगा। अब इसके चलते थोड़ा एफ को देखना पड़ेगा। एफ फंक्शन कैसा ऐसा है। अब एफ फंक्शन अगर एक्स स्क्वायर प्लस टू है तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑलवेज टू से ग्रेटर और इक्वल होगा, मतलब एफ एक्स का वैल्यू किसी भी एक्स के लिए वन तो नहीं आएगा। और हमें सिर्फ वन से ही परेशानी था ना, बाकी एफ कुछ भी लेगा बियॉन्ड वन तो वो तो आर माइनस वन वाला जो ये स्टेट है इसमें होगा ही। हम समझते क्लियर है। तो इस तरह से जी नॉट एफ आर में डिफाइन होगा, और प्रोवाइडेड इसका रेंज भी चेक कर लिए, रेंज में वन से प्रॉब्लम था, वन इसके रेंज में नहीं है और बाकी सब इसमें पहले वालों भी डिफाइन होगा। इसी तरह से अगर एफ नॉट जी को चेक करें तो ये जी के डोमेन से स्टार्ट हुआ, जी का डोमेन मतलब रियल नंबर में वन सब्ट्रैक्ट करेंगे और एफ के कोडोमेन में मतलब आर में। इस बार समझ सकते हैं ये कब वैलिड होगा, तो जब जी का रेंज, समझ सकते हैं जी का रेंज क्या होगा, आर का कोई सबसेट होगा और बहुत होगा तो आर होगा, और वह सबसेट एफ का डोमेन, एफ का डोमेन क्या है आर है। तो समझ सकते हैं ये तो पूरा का पूरा ये इसके बराबर है, तो इसका जो सबसेट होगा इसके बराबर नहीं होगा, तो ये तो होगा ही। थोड़ा सा इसमें चेक क्या करना पड़ा, क्लियर है ना। तो इस तरह से दोनों वैलिड होगा और बाकी आगे कैलकुलेशन है सिंपल। आप समझते हैं कि मैं समझता हूं कि ये आप कर सकते हैं, बट फिर भी जी नॉट एफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। आप समझ सकते हैं जी एक्स क्या है, एक्स बाई एक्स माइनस वन, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एक्स यहाँ पर एफ एक्स रख देंगे तो एफ एक्स बाई एफ एक्स माइनस वन। आगे हम सीधे वैल्यू रखे हैं, सिंप्लीफाई किए इसको, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू है और एक्स स्क्वायर प्लस टू में वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा। अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, एफ नॉट जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स, और एफ का बिहेवियर क्या है, जिस पर लगता है ऑपरेट होता है उसका स्क्वायर करके प्लस टू करता है, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, तो जी एक्स का स्क्वायर प्लस टू, जी एक्स का वन डायरेक्ट रख दिए, एक्स बाई एक्स माइनस वन इसका होल स्क्वायर प्लस टू, और आगे इसको सिंप्लीफाई कर दिए, जाहिर है एक्स स्क्वायर भाई नीचे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एलसीएम आएगा ऊपर एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मतलब ये हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ये है, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, जी एक्स इक्वल टू एक्स, एच एक्स इक्वल कॉस एक्स, तीन फंक्शन डिफाइंड है, सारा रियल वैल्यूड फंक्शन है। कहता है सिर्फ टू प्रूफ एफ नॉट जी इक्वल्स जी नॉट एफ एच। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में हम समझते हैं, ये एक लेक्चर में और हमने बताया था और बताया क्या था, बस आपको रिकॉल करवा रहे हैं, ये तो आप बेसिक बात अलेवन में पढ़े ही है, कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स का मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी ऑफ एक्स का मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स, और एफ एच ऑफ एक्स का मतलब एफ एक्स इंटू एच एक्स। तो g नॉट एफ एच का मतलब हो गया क्या, तो अगर यहां x ऑपरेट करेंगे तो ये g ऑफ एफ एच एक्स और एफ एच एक्स का मतलब एफ एक्स इंटू एच एक्स, जिसको कि आगे यहां लिखा है हमने। तो कहा था ये तीन फंक्शन है और हमें दिखाना है कि f नॉट g वही होगा जो g नॉट एफ एच होगा। अब आप समझ सकते हैं f नॉट g, तो f नॉट g ऑफ x निकालेंगे, ये f ऑफ जी एक्स होगा, और f ऑफ जी एक्स क्या होगा, जी एक्स आप देखिए 2x है, तो f ऑफ 2x होता है, और f क्या कहता है, साइन x कहता है, इसका मतलब ये साइन जी एक्स होगा, और साइन जी एक्स में जी एक्स का मान 2x कर देंगे, साइन 2x होगा। फिर g नॉट एफ एच ऑफ x, ये पहले समझ चुके हैं, g ऑफ एफ एच एक्स, और एफ एच एक्स का मतलब एफ एक्स और एच एक्स का मल्टीप्लीकेशन, तो g ऑफ एफ एक्स इंटू एच एक्स हो गया, और g ऑपरेट करेंगे, g जिस पर लगता है उसका ट्वाइस कर देता है, मतलब एफ एक्स इंटू एच एक्स पर लगेगा, तो ये 2 इंटू एफ एक्स इंटू एच एक्स, अब एफ एक्स का मान रख देंगे साइन एक्स, और एच एक्स का मान कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा, साइन 2 एक्स। यहां देख रहे हैं इस रिजल्ट में, यहां यानी 1 एंड 2 से रिजल्ट हो गया, ये समझ में आया, एफ नॉट जी एक्स पर लगाए तो वही आया जो जी नॉट एफ एच पर एक्स लगाए, इट मीन्स कि एफ नॉट जी का फंक्शन और जी नॉट एफ एच का फंक्शन दोनों सेम हुआ ना, चूंकि दोनों साइन 2 एक्स कह है, एक और दूसरे ये रिजल्ट फॉलो कर रहा है। फिर एक क्वेश्चन है, एफ इज एनी रियल फंक्शन, समझ सकते हैं ये डिफाइन नहीं किया हुआ, एफ कोई भी रियल फंक्शन है, ये क्वेश्चन हमारे ऊपर छोड़ दिया, जो भी आप चाहें, एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स, एफ कोई भी फंक्शन है और जी एक्स टू एक्स है, तो साबित करना है
जी नॉट एफ इक्वल्स एफ प्लस एफ। आप समझ सकते हैं जी नॉट एफ ऑफ एक्स ऑपरेट किए, जी नॉट एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स क्या होगा एफ एक्स रहेगा, कारण की क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा है, इसका कोई मान अपने मन से लेंगे अगर हम, तो ये लॉस ऑफ रिलेटिव होगा, ये भी समझना, हम इसको एफ एक्स करके ही दिखाएंगे, कुछ भी एफ एक्स हो एफ एक्स अपने मन से लेंगे, तो ये हो गया कि जो हमने लिया उसके लिए रिजल्ट सही हुआ, हमेशा नहीं करना सारे एफ एक्स से लिए करना है। तो जी ऑफ एफ एक्स जी ऑपरेट किए, जी का बिहेवियर क्या है ट्वाइस कर देता है जिस पर लगता है, ये ट्वाइस एफ एक्स हो गया, और फिर अलजेब्रा ऑफ फंक्शन से ट्वाइस एफ एक्स जो ऊपर चर्चा कर रहे थे हम, इसे हम एफ एक्स प्लस एफ एक्स कर सकते हैं, और ये इक्विवेलेंट टू एफ प्लस एफ ऑफ एक्स हो गया, यानी जी नॉट एफ ऑफ एक्स वही हुआ जो एफ प्लस एफ ऑफ एक्स हुआ, इट मीन जी नॉट एफ इक्वल्स एफ प्लस एफ। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर, जो मैं कुछ क्वेश्चन लिया है इसमें थोड़ा डोमेन मैनेज करना ये इंपॉर्टेंस रखेगा। इसमें ये क्वेश्चन कहा था एफ एक्स इक्वल्स दिस जी एक्स इक्वल्स दिस, आगे कहा था डिस्क्राइब फंक्शन एफ नॉट जी एंड जी नॉट एफ, एफ नॉट जी और जी नॉट एफ फंक्शन को डिस्क्राइब कीजिए। आप समझ सकते हैं कि इसका डोमेन को डोमेन कुछ दिया हुआ नहीं है, तरीका कहता है कि हम एफ एक्स का डोमेन मैक्सिमम जिसके लिए कि एफ एक्स रियल हो डिफाइन हो, तो x का वैसा मैक्सिमम बड़ा से बड़ा सबसेट ले सकते हैं हम रियल नंबर का, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कर रहा है, ये कह रहा डिस्क्राइब फंक्शन f नॉट g एंड g नॉट f, मतलब हमें इसका जांच करना है जांच पड़ताल करना है कि f नॉट g g नॉट f डिफाइन हो भी सकता है कि नहीं, पर अगर हो सकता है तो जो फंक्शन हमारा डिफाइन होगा उसका डोमेन क्या होगा। तो समझ सकते बात को, f नॉट g x सीधे हम इसको पहले निकाल लिए, f नॉट g ऑफ x ये कैसे निकलेगा बार बार क्या कहें, आप समझ ही सकते हैं एफ नॉट जी ऑफ एक्स एफ ऑफ जी एक्स हुआ, एफ का बिहेवियर क्या है रूट वन माइनस एक्स, यहाँ रूट वन माइनस जी एक्स, जी एक्स का मान लॉग एक्स रख दिए बेसी पर। अब इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, कारण भी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा जगह तो है नहीं, थोड़ा यही समझिए डायरेक्ट, जैसे हम एफ लगा रहे हैं जी पर, जी का रेंज क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का आप समझते हैं इसका डोमेन हो जाएगा जीरो से इनफिनिटी, और रेंज हो जाएगा माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, समझ सकते हैं इसका रेंज ये होगा, और इसका रेंज एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। अब समझ सकते हैं कि एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तो एफ का डोमेन क्या होगा, एफ का डोमेन आप समझ सकते हैं वन माइनस एक्स है, तो एक्स का वैल्यू किसी भी कीमत पर मैक्सिमम वन होगा, अदरवाइज वन से स्मॉलर होगा, और जबकि इसका रेंज पूरा माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी कह रहा है, तो समझ सकते हैं कि इस जी एक्स का डोमेन अगर हम पूरा रियल लेते हैं, सॉरी जो पॉसिबल है जीरो से इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल वो लेंगे, तब जो इसका रेंज आएगा वह एफ एक्स के डोमेन में नहीं मिलेगा। तो वही हमें डिसाइड करना कि अगर ये डिफाइन होगा तो ये होगा, अब है कि ये कब डिफाइन होगा, तो हम इस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर रूट इसके ऊपर है, तो डोमेन के लिए क्या करेंगे रूट के अंदर है ये वन माइनस लॉग एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, चूंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट और दूसरी बात की log के साथ ये x है, डोमेन में हम ये सब बेसिक फंक्शन पहले समझते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन कब डिफाइन होता है जब x का वैल्यू जीरो से ग्रेटर होता है, तो एक ये हो गया एक ये हो गया, इसको हमने वन टू कह दिया। अब वन को पहले हम देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं इक्वेशन को, दो को क्या सोल्व करना है, तो ऑलरेडी x जीरो से ग्रेटर कही रहा है, तो ये तो ऑलरेडी सोल्व है। अब 1 माइनस log x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, log x लेस देन 1, इसको इधर कर लिए 1 ग्रेटर देन ये कहें या इसी को लेस देन 1 कहें, इस 1 को हम log e टू द बेस e कह सकते हैं, इसलिए कि बेस e यहां पर है, बेस e ऐसे कर लिए तो 1 ये लेस देन 1 है मतलब इससे लेस देन है, देयरफॉर x लेस देन e हो जाएगा, log का ये बात समझते हैं ना, बेस अगर x से ग्रेटर है तो इनइक्वालिटी का साइन वही रहता है log से फ्री होने के बाद, बेस अगर सेम है तो x लेस देन e हो गया। अब x less than e कह रहा है और सेकेंड में क्या कह रहा था x greater than 0, तो ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, मतलब ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, तो therefore to imply less than e और greater than क्या 0, तो इस तरह से f not g का डोमेन क्या होगा 0 से e, और कोडोमेन तो रियल नंबर लेते ही हमेशा, तो f not g 0 से e तक हो गया, और जहां f not g of x का वैल्यू क्या होगा तो पहले निकाल ही चुके हैं, वैल्यू ये होगा वैल्यू वही रह जाएगा, क्लियर है। सेम वे में जी नॉट एफ एक्स की बात करें तो इसको निकालने में ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा रहे, आप बार बार क्या करना है ये आप समझ सकते हैं, वैल्यू पुट करके निकालेंगे। अब डोमेन की बात करें,
डोमेन के लिए लॉग ऑफ समथिंग है, दिस समथिंग शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये समथिंग क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो ये जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, एंड चूंकि रूट के अंदर 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये अलग बात है कि यहां इस बात को समझते हुए इक्वालिटी जीरो का यही हटा दीजिए, बट हम सेपरेटली बात कर रहे हैं कि अगर सिर्फ ये होता है तो ये चीज लिखना पड़ता है और फिर लॉग के साथ यहाँ कुछ भी होता, मान लीजिए इसे अगर हम मिटा दे, दिखा दे, नहीं दिखाया आपको, तो लॉग के साथ जो भी हो जीरो से ग्रेटर है, तो मोस्ट बेसिक से चल रहे हैं ये दो बात, और ये दोनों बात से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि दोनों बात कब हैपन करेगा, समझ सकते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे तो कोई लॉस ऑफ डेरिवेटिव नहीं होगा। इन इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर करने में हमें डोमेन को मैनेज करना पड़ता है, ये ध्यान देंगे आप, अदरवाइज उसमें एक्सट्रेनियस रूट लॉस ऑफ रूट की बात होती है, ये बात कभी किए थे हम, फिर कभी अभी उस पर नहीं जाते हैं। मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है इसका स्क्वायर कर दिए, 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। अब ये 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कह रहा है, इक्वल टू खत्म हो गया, चूंकि इक्वल टू पर ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इस तरह से एक्स लेस देन 1 हो गया, लेस देन 1 हुआ, ग्रेटर देन क्या होगा, तो लोअर लिमिट इसका कुछ नहीं कह रहा है, मतलब 1 से बैकवर्ड साइड में माइनस इन्फिनिटी तक कहीं तक जा सकता है ये, तो ये हो गया जी नॉट एफ का डोमेन, यानी जी नॉट एफ माइनस इन्फिनिटी से 1 से लेकर मान माइनस 1 से 1 तक लेकर, और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। डिफाइन कैसे होगा कि पहले निकाल चुके हैं, तो थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन इस तरह का इसलिए लिए कि थोड़ा सा मतलब इसमें डोमेन कैसे मैनेज होगा ये थोड़ा देखना। अब जैसे इसकी बात करें हम, एफ एक्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 है, निकालना है हमको कंपोजिशन एफ नॉट एफ नॉट एफ एफ नॉट एफ नॉट एफ। आप समझ सकते हैं कि ये सेम एफ का कंपोजिट फंक्शन है 3 times, इसको हम थोड़ा सा ज्यादा नहीं खींचे हैं जगह को देखते हुए, आप समझें कि इसे क्या करेंगे, आप समझें एसोसिएटिव होता है ये समझे थे लोग शुरू में ही, तो एफ नॉट एफ नॉट एफ ऑफ एक्स करेंगे, तो पहले यही एफ लगा लें एफ एक्स होगा, लगे हुए पर ये एफ लगाए तो एफ ऑफ एफ एक्स होगा, और ये लगे हुए पर फिर ये एफ लगाएंगे तो एफ ऑफ एफ एक्स। अब आप समझ सकते हैं कि हम ऐसे लिखे हैं कि ये एफ को पहले ऑपरेट कर दिए, एफ का बिहेवियर हमें पता है ना, कहा ये जिस पर एफ लगता है अंडर रूट वो चीज माइनस टू करता है, यहां एफ किस पर लग रहा है, एफ ऑफ एफ एक्स पर, तो ये एफ ऑफ एफ एक्स माइनस टू करेगा रूट के अंदर, ठीक है, और फिर एफ ऑफ एफ एक्स ऑपरेट किए, ये रूट बाहर में था, बाहर देख रहे हैं ये आउटर मोस्ट जो रूट है ये पहले जो है वो है, और ये रूट एफ ऑफ एफ एक्स की बात कर रहा है, तो एफ ऑफ एफ एक्स अगेन क्या होगा, अंडर रूट एफ एक्स माइनस टू, ये लिख दिया अंडर रूट एफ एक्स माइनस टू, और ये माइनस टू पहले से था, जाहिर है ये रूट से बाहर है, ये रूट के अंदर है ये रूट के, और फिर क्या करेंगे, ये रूट तो लिख ही दिए, ये रूट देख रहे हैं दो रूट पहले से, और फिर एफ एक्स को ब्रेक किया अंडर रूट एक्स माइनस टू, ये माइनस टू इस रूट के अंदर और ये माइनस टू बाहर वाले रूट के अंदर। अब है कि क्या ये इसके डोमेन में डिफाइन होगा, समझ सकते हैं जो ओरिजिनल फंक्शन हमारा इसका डोमेन क्या है, एक्स का वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर, लेकिन इसमें भी 2 या 2 से ग्रेटर पर ये डिफाइन होगा क्या, तो समझ सकते हैं बात को कि इस पर डिफाइन नहीं होगा, एक्स का मान अगर 2 आप पुट करते हैं 0 आएगा, काले में मतलब देखना ही बेकार है, यही से आप देखेंगे 0 आएगा, जीरो में माइनस टू करेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इमेजिनरी आना शुरू हो गया ना यहीं से, तो फिर रियल वैल्यू फंक्शन नहीं हुआ। अब डोमेन की बात करें, डोमेन के लिए इसका आप समझ सकते हैं थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट करेंगे, सिंपल है, एक ही काम तो करना है, रूट के अंदर कोई भी चीज है तभी डिफाइन होगा, तो जीरो से ग्रेटर और इक्वल होगा, तो यहां पर ये रूट को फिनिश किए, देखेंगे ट्रिपल रूट में हम डबल रूट को लिए बाकी को छोड़े, चूंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज है फर्स्ट स्क्वायर रूट जो आउटर मोस्ट है इसके अंदर जो क्वांटिटी है उसको हमने यहां लिखा है यहां से यहां तक में, तो दिस वुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये माइनस टू को हमने उधर कर दिया और ये चीज लिखा हम अंडर रूट, फिर अंडर रूट एस माइनस टू ग्रेटर देन टू माइनस टू उधर किए। अब समझ सकते हैं ये रूट को खत्म कर रहे हैं, ये रूट को, ये रूट खत्म कैसे हुआ, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो बच जाएगा रूट एक्स माइनस टू माइनस टू, इधर टू का स्क्वायर किया 4, फिर ये माइनस टू को इधर करेंगे 6 हो जाएगा, और फिर एक बार स्क्वायर करेंगे तो यहाँ एक्स माइनस टू होगा, और यहाँ जो 6 हुआ था इसका 6 स्क्वायर 36, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या माइनस टू, इधर हो जाएगा प्लस टू, मतलब 36 प्लस टू मतलब 38,
यानी डोमेन इसका क्या होगा 38 से इन्फिनिटी, यानी यह जो 3 टाइम्स ये कंपोजिशन है एफ 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 का, ये फंक्शन होगा, इसका डोमेन ये होगा और कोडोमेन क्या होगा रियल, और जहां इतना का एक्स हम लेंगे तो क्या आएगा, ये तो निकल ही चुका है, ये आएगा, जगह नहीं था इसलिए फिर दोबारा लिखे ने, ये तो निकला हुआ है ही ना, डोमेन लिख दिया तो समझ रहे ना, इससे आर में वेयर एफ नॉट एफ नॉट एफ ऑफ एक्स विल बी दिस। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं ये लेने का क्वेश्चन ये कारण है कि थोड़ा सा इसमें दिमाग कंसंट्रेट करेंगे और कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका अगर सोचना थिंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। जब भी इंटरवल में फंक्शन दिया होता है और अगर उसका कंपोजिशन निकालना होता है तो थोड़ा सा ये कंसंट्रेशन खोजता है, एक स्पेल में मतलब बातों को सोचते हुए करना है, बहुत सारी बातें इसमें आती है, इसको हम बहुत माइनोरिटी समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये दो इंटरवल में डिफाइन है, एक में एक 1+x कर रहा है, एक में 3-x कर रहा है, ये कर रहा है जब x का वैल्यू 0 से 2 तक और ये 2 से 3 तक, जो भी आप देख रहे हैं हमें निकालना है f का कंपोजिशन f के साथ। कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एफ एक्स अलग है जी एक्स अलग है और हमें कंपोजिशन एफ एंड जी का निकालना है, ये भी एक से ज्यादा इंटरवल में डिफाइन रहेगा और जी भी एक से ज्यादा इंटरवल में रहेगा, यहां पर एफ जी नहीं है, सेम एफ है और एफ का कंपोजिशन एफ के साथ ही निकालना है, तो दो फंक्शन यहां भी हो ही गया एफ और खुद फिर एफ। अब सबसे पहले तो बढ़िया होगा इसको चेक करें हम कि ये एफ नॉट एफ डिफाइन हुआ कि नहीं हुआ, कारण यहां पर डोमेन रेंज अपने मन से सेट करके इसको हम डिफाइन होने लायक नहीं बना सकते, क्योंकि ये दिया हुआ है ऑलरेडी डोमेन इसका, तो हम देख सकते हैं कि इसका अगर रेंज निकाले तो 0 से 2 तक अगर यहां पुट करेंगे तो ये मिनिमम 1 देगा मैक्सिमम 3 देगा, यही देखिए यहां हमने लिखा है, डोमेन तो 0 से 3 तक आप देख रहे हैं 0 से 3 तक लगातार है डोमेन, एक भी मिसिंग नहीं है, 0 से 2 तक ये और 2 से आगे ऑनवर्ड्स 3 तक ये, तो डोमेन 0 से 3 हो गया। रेंज की बात करें तो फर्स्ट ये 0 से 2 तक के इंटरवल में लीनियर फंक्शन है, सिंपल इसका रेंज निकाल सकते हैं, 0 से 2 तक अगर हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो 1+x का वैल्यू 1 से 3 तक आएगा, तो ये इंटरवल में 1 से 3 और यहां पर हम x का 3 वैल्यू डालेंगे तो ये मिनिमम 0 आएगा और 2 डालेंगे तो मैक्सिमम 1 आएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है ना, तो मिनिमम डालेंगे तो ये मैक्सिमम देगा और मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिनिमम देगा, तो 0 से 1 तक हो गया वो। अब 1 से 3 और 0 से 1 जहां 1 पर क्या होगा ओपन होगा, क्यों, यहां 2 डालेंगे तो ये जो 1 आएगा तो 2 तो पुट नहीं कर सकते ना, 2 से हल्का भी राइट ही रहेगा ना, तो 1 पर ये ओपन होगा। अब 0 से 1 और ये 1 से 3 जो देख रहे हैं ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो समझ सकते हैं 0 से 1 तक तो 0 से 1 के जस्ट पहले तक ये और फिर 1 से यहां ये, तो ओवरऑल 0 से 3 हो गया, दोनों का यूनियन मतलब आप समझ रहे हैं ना, दोनों का यूनियन 0 से 3 तक हो जाएगा कुल इंटरवल, इस तरह से रेंज इसका 0 से 3 हो गया। और डोमेन भी आप क्या देख रहे हैं 0 से 3 है, यानी रेंज ऑफ एफ जो है जो आया यही बात यहां पर लिखे है एज रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, क्यों डोमेन ऑफ एफ पहले देख चुके हैं 0 से 3 है, तो therefore f not f is defined, मतलब ये डिफाइन हो गया। अब ये वैल्यू क्या देगा इसको निकालने के लिए f not of fx करेंगे, जाहिर है f not of fx क्या होगा f of fx, और f of fx क्या होगा तो जस्ट x को हम fx से रिप्लेस कर दिए, एक बार 1+fx जहां fx 0 से 2 के बीच लाई करेगा और एक बार 3-fx जहां fx 2 से 3 के बीच लाई करेगा, देख रहे हैं सेम वही चीज यहां लिखा, और अब फर्दर हम फिर 1+fx जहां fx 0 से 2 के बीच में है इसको ब्रेक करेंगे, fx को ब्रेक करेंगे तो अगेन दो इंटरवल आएगा ना, तो यहां से थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे आप ज्यादा कि अब हम 1+fx को ब्रेक करेंगे और 3-fx को ब्रेक करेंगे, ये जो भी देगा वो सारे को कलेक्ट करके हमारा वो कंपोजिशन हो जाएगा। अब 1+fx इक्वल्स आप समझ सकते हैं 1+fx इक्वल्स एक बार हमने लिखा 1+1+x, अब समझ सकते हैं fx को 1+x कब लिखेंगे, दिया हुआ है जब x का वैल्यू 0 से 2 के बीच में है एंड 1+fx आया कब है, तो ये हमारे साथ पहले से है, आप fx को 1+x या 3-x लिखेंगे ये डिपेंड करेगा इस पर, और 1+fx खुद कब आया है जब fx का वैल्यू 0 से 2 के बीच लाई कर रहा है, तो जब आप fx का वैल्यू यहां 1+x रखेंगे तो ये आया इसके चलते कि fx का वैल्यू हम ये डाल रहे हैं और ये तो पहले से हमारा है, क्या पहले से है कि fx का वैल्यू अगर 1+x डालते हैं तो 1+x 0 से 2 के बीच लाई करना चाहिए, यही चीज यहां पर हमने लिखा है। अब फिर 1+ एक बार क्या 3x
3 माइनस एक्स, एफ एक्स का 3 माइनस एक्स, ये 3 माइनस एक्स कब होगा जब एक्स का वैल्यू 2 से 3 के बीच लाई करेगा, तो ये एक्स का वैल्यू 2 से 3 के बीच लिखे, एंड इस बार एफ एक्स के जगह पर क्या रखेंगे 3 माइनस एक्स, और ये तो पहले सारा 0 से 2 यहां था, यहां भी 0 से 2 रहेगा, यहां पर प्लस एक्स लिखे, यहां 3 माइनस एक्स लिखे, जैसे यहां लिखे वैसे जस्ट एफ एक्स का वैल्यू उस पर रिप्लेस कर दिए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 प्लस एक्स हो गया, और यहां देख रहे हैं ये भी है ये भी है, क्योंकि दोनों एक्स रहेगा तभी ये डिफाइन होगा, और एफ एक्स का मान जो ये रखे ये डिफाइन होगा, तो इस तरह से 0 से 2 के बीच का है, और ये 1 प्लस एक्स का है 0 से 2 के बीच, तो यहां x का वैल्यू के लिए सिंपल इंटीग्रेशन है, हर एक साइड में हम 1 क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 से 1 और ये 0 से 2, आप समझ सकते हैं माइनस 1 से 1 और 0 यहां है, ये माइनस 1 से 1 हो गया और ये 0 से 2 हो गया, कॉमन रीजन क्या हो गया 0 से 1, क्योंकि दोनों ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहां पर हम लिख दिए 2 प्लस एक्स जब x का वैल्यू 0 से 1। अब इक्वालिटी की जहां तक बात है उसको देख लेना है, ये जो माइनस 1 से 1 तक आ रहा है 0 से 2 तक आ रहा है सब जगह इक्वालिटी है, इसका मतलब 0 पर भी इक्वालिटी होगा 1 पर भी इक्वालिटी होगा, तो 2 प्लस एक्स हो गया जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस एक्स आएगा इफ x का वैल्यू 2 से 3, 2 पर ओपन है ध्यान रखना है, एंड इसको सोल्व करेंगे, अब समझ सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए इक्वेशन है सिंपल, देखेंगे आप 3 माइनस एक्स का वैल्यू 0 से 2 के बीच, हर एक साइड में माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3 लेस देन माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 1, माइनस 3 हर एक साइड में सब्ट्रैक्ट किए, अब ये माइनस है तो माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसी को हम रिवर्स करके लिख दिए 1 लेस देन इक्वल टू x less than 3, 1 पर इक्वालिटी 3 पर इक्वालिटी नहीं होगा, तो यही यहां पर लिखे हैं हम x का वैल्यू 2 से 3 के बीच एंड x का वैल्यू 1 से 3 के बीच, अब फिर ये दोनों में कॉमन डिजाइन निकालेंगे तो समझ सकते हैं बात को, 1 से 3 और ये 2 से 3, तो जाहिर है कि 1 से 2 ग्रेटर है, यानी 2 से 3 के बीच का बात करेगा ये, जिसमें 2 पर इक्वालिटी नहीं होगा, यानी 4 माइनस एक्स वेन एक्स लाइज बिटवीन 2 एंड 3, जहां 2 पर ओपन और 3 पर क्लोज्ड, ये हो गया 1 प्लस एफ एक्स, समझ सकते हैं बात को, इसको हमने ए रख दिया क्योंकि बाद में हम इसका यूज करेंगे, जिसको हमने 1 कहा है यहां 1 प्लस एफ एक्स का मान रखेंगे, तो दो इंटरवल ये रखाएगा, नाउ 3 माइनस एफ एक्स, अब 3 माइनस एफ एक्स की बात करें तो 3 माइनस एफ एक्स में भी क्या होगा, फिर एक बार एफ एक्स को 1 प्लस एक्स करेंगे, एक बार एफ एक्स को 3 माइनस एक्स करेंगे, अब 1 प्लस एक्स कब करेंगे, तो जब एक्स का वैल्यू 0 से 2 के बीच लाई करेगा, और एफ एक्स का मान यहां 1 प्लस एक्स रखेंगे, कारण जिस तरह से ये पहले से आ रहा था इस केस में क्या एफ एक्स 2 से 3 के बीच आएगा, तो एफ एक्स का मान जब 1 प्लस एक्स रखे तो ये 2 से 3 के बीच हो जाएगा, और फिर एक बार 3 माइनस यानी 3 माइनस एफ एक्स यहां पर क्या 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स यहां पुट किए और 3 माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये तो किस इंटरवल में देख ही रहे हैं 2 से 3 के बीच में, और यहां 3 माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये 2 से 3 के बीच में आ जाएगा, ऊपर वाले 1 प्लस एक्स 2 से 3 के बीच में, और इसके बाद नीचे वाले इंटरवल में 3 माइनस एक्स 2 से 3 के बीच में, यही असल काम है, बाकी तो आप इधर दोनों मिला के इंटरसेक्शन क्या आएगा देख ही लेंगे बाद में, यहां इंटरवल कैसे रख रहे हैं और एक्स का वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू बीच में कैसे रखा रहा है, ये ज्यादा मतलब माइनोरिटी इसमें समझना है सोचना है, ये सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट ब्रेक करेंगे 2 माइनस एक्स हो गया 3 माइनस 1 2 हो गया और ये माइनस एक्स, और ये 0 से 2 तो सिंप्लीफाइड ही है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली हर एक साइड में क्या करेंगे 1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहां 1 हो जाएगा, 3 पे 1 सबट्रैक्ट होगा 2 हो जाएगा, मतलब ये 1 से 2 हो गया, 1 से 2 और ये 0 से 2, कॉमन रीजन समझ सकते हैं 1 से 2 1 से 2 और ये 0 से 2, माने 0 से 2 के बीच में ये 1 रहेगा कहीं और फिर 1 से 2 तक ये है, 1 पर इक्वालिटी नहीं है ध्यान देंगे, तो 1 पर इक्वालिटी नहीं होगा और कॉमन रीजन 1 से ऑनवर्ड्स आगे क्या हो जाएगा 2 तक, यानी इसको हमने जो आगे लिखा है 2 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक, जिसमें 1 पर इक्वालिटी नहीं होगा 2 पर इक्वालिटी होगा, और इसको सोल्व करेंगे कि x इफ x का वैल्यू 2 से 3 और x का वैल्यू 0 से 1, अब यहां पर जो देख रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, जैसे अभी इसको समझाए थे आपको, चलिए इसको भी थोड़ा देख ही लेते हैं, इस इक्वेशन को भी सोल्व करेंगे तो ये
3 माइनस एक्स 2 से 3 के बीच लाई कर रहे हैं। हर एक साइड में आप क्या करेंगे, 3 सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस 1 माइनस एक्स 0। अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तब x का वैल्यू आएगा 1, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज कर जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी को हमने लिखा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल लेस देन 1 इक्वल टू, यहां पर इतने होगा। अब समझ सके दो से तीन कह रहा है और ये जीरो से वन कह रहा है, कोई कॉमन रीजन है क्या? जीरो से वन उसके बाद दूर जाकर दो से तीन शुरू होता है, कॉमन बात तो कुछ आएगा नहीं इसमें। देयरफॉर ये जो एक्स का बात है ये इनवैलिड हुआ हमारा, यानी ये आने के लिए कोई भी एक्स दो मिनट में तैयार नहीं है। मतलब यहां दो के बदले दो मिला, बट यहां दो में से एक ही मिला और एक मिला वो बिना काम का मिला जो वैलिड यहां पर नहीं है। अब इस तरह से वन में हम इसका और इसका वैल्यू पुट करेंगे। थोड़ा सा हमने किया क्या है, आगे पीछे करके थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है, जीरो से वन तक एक इंटरवल, नेक्स्ट वन से टू, फिर टू से थ्री। जीरो से वन तक कहां पर है, तो ये है, वन से टू कहां है जो लास्ट में आया था, देखें ये वन से टू तक टू माइनस एक्स है और फोर माइनस एक्स, टू से थ्री ये आया था। इसको अरेंज करके और इसको हमने फिर डिफाइन कर दिया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन कुछ होगा बुक में मिलेगा आपको, जहां तहां थोड़ा उसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे, खासकर जो एक से ज्यादा इंटरवल में डिफाइन है और दूसरा फंक्शन भी एक से ज्यादा इंटरवल में डिफाइन है और फिर दोनों का कंपोजिशन निकालना है। तो इस तरह से कंपोजिशन में जो बेसिक कंसेप्ट है और कुछ बेसिक क्वेश्चंस ये हमने देखा। फिर अगले क्लास में इनवर्स फंक्शन देखेंगे और थोड़ा सा इनवर्स में कंपोजिशन का जो कुछ रहता है ना मिक्स्ड कंसेप्ट, तो फिर कंपोजिशन और इनवर्स को रिलेट करेंगे, कंपोजिशन और इनवर्स में कुछ आपस में जो रिलेशन हो सकता है।